ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। Hi. Hi. Oh God. Come, please. Me, hi. हो गई खत्म भाई हो गई खत्म. You love the way she Bro, says. But I love the way she says. Arey uncle. Last week. One for the road. चल 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 अरे गाड़ी निकाल यार ठीक है तो ठीक है हाँ हाँ निकाल लो आपसे भाई चल के मत यार हम्पी पुलिस केस तो नहीं होगा ना यार अरे नहीं नहीं यार क्या यार भैया आंख लग रही है क्या नहीं नहीं मैडम आगे आके बात करूं एक मिनट मिनल डोंट फलक प्लीज डोंट डू दैट भैया चलाते रहिए चल जरा ठोक दे करें फलक जल्दी ले जा, बीच में
रही थी चलते हैं चलते हैं, मैं इशारा भी कर रही थी। What if something happens to him now? हालत कैसी सर? स्कल पे काफी इंपैक्ट आया है, रिक्वायर्स एन एमआरआई। आंख बच जाएगी ना सर? आईज में ग्लास शार्ट्स थे, मैंने निकाल दिए। बाय द वे, वुड यू लाइक टू डू एमएलसी रिपोर्ट? एमएलसी मतलब लीगल प्रोसीजर्स, पुलिस? नो, सी राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन द पेशेंट, वी विल टेल यू लेटर। आर यू श्योर? या या, प्लीज प्लीज फोकस ऑन द पेशेंट प्लीज। ओके। हेलो हेलो अंकित। हाँ सुनो ना यार, यहाँ पे कांड हो गया है। हाँ, सूरज कुंड में राजवीर को मार लगी है, उसको टाके आ गए यार, खून भाई। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। कह देंगे आप निश्चिंत रहें, काम हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया। अरे चाय वाय पियो भाई। भंडारी जी सर, और राजवीर के साथ क्या हुआ? सर ठीक से पता नहीं है। फोन लगा सो। अंकल जी, मैं अंकित। हाँ, वीरू से बात करा? नहीं, वो राजवीर बात नहीं कर पाएगा ना अभी। हाँ, संडे रात को हुआ। स्टिचेस? हाँ, स्टिचेस आए हैं, 8-10 टाके आए हैं। हाँ, आंख बच तो जाएगी ना? नहीं नहीं, आंख बच जाएगी। हाँ नहीं, वो तो पट्टी खुलने के बाद पता चलेगा। कौन थे? हाँ अंकल जी, वो सूरज कुंड में ना। हाँ
हाँ आप टेंशन न ले अंकल जी, वो यहाँ पर सिचुएशन कंट्रोल में है। हाँ नहीं, वो मैं आपकी बात करवाता हूँ। हाँ हाँ, मैं उसको बोलता हूँ फ़ोन करें। हाँ मैं बोलता हूँ। ओके ओके। How was your day? It was good. You had dinner? No, I'm hungry. What do you want to eat? What? सारी सांधेरे क्यों लाई क्यों लाई, रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई क्यों आई, उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाँव छैली धूप मैली क्यों है री। कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई क्यों लाई, रोशनी के पाँव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, उजियारे कैसे अंगारे जैसे छाँव छैली धूप मैली क्यों है। हेलो अंकल जी, नमस्ते। ये 203 सर्वप्रिय विहार वाला आप ही का है क्या अंकल जी? वो मेरा ही घर है, लेकिन इतनी रात गए गल की है। बात ये है कि वो जो तीन लड़कियां रहती है ना आपके यहाँ पर, उनको ना इस महीने का किराया लो और खाली करवा दो। मेरी समझ में नहीं आया पुत्र, क्या कह रहे हो तुम? अच्छा आप समझे नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो तीन लड़कियां है ना वो ठीक नहीं है, आप ना उनको घर से निकालो। मैं उन लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो 2-2.5 साल से मेरे पास रह रही हैं। अंकल जी ये सब ना किसी और को सुनाना आप, ठीक है मेरी बात समझो आप, वो वैसी लड़कियाँ हैं, आप समझ में आया ये और समझाओ। हेलो हेलो, गाइस कॉफी मैं नहाने जा रही हूँ। ऐसे बात अवॉइड करने से कुछ होने वाला नहीं है। यार अब जो हो गया वो हो गया, वो लोग भी भूल गए होंगे, हम लोग भी भूल जाते हैं। इतना इजी नहीं है मीनल, हिज आई कट काफी डीप था, ही वाज ब्लीडिंग क्वाइट अ लॉट। और पुलिस केस हो सकता है यार। यार अब बस ये बात याद कर करके रोज स्ट्रेस लेते रहेंगे क्या? वील गो मैड लाइक दिस। शी इज राइट, लेट्स जस्ट फॉरगेट द होल थिंग। और वो लोग भूल जाएंगे। चार दिन हो गए ढंग से हंसे भी नहीं है। हाँ तो हंस लो, हंसो एंड्रिया।
हंसू? हाँ हंस, पक्का? हाँ हंस, फाइनल? हंस हंस ना, रुक क्यों रही है, हंस। श्योर है तू? हंस ना, हंस हंस। फिर तू बाबा डांटियो मत। मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी, हंसो। हंस ना, इतना नमस्ते अंकल। अंकल एक सेकेंड, आज आज अंकल आज आप बस ऐवे ही क्यों भाई? यहाँ अंकल को आने की मनाही है क्या? नहीं नहीं अंकल, इनफैक्ट मेरे को तो मजा आता है आपको चाय का घोल पिलाकर। सब ठीक तो है पुत्र? हाँ अंकल सब। क्यों? नहीं कुछ कुछ हुआ था क्या? क्या नहीं? अच्छा किसी ने परेशान किया ऐसे या फोन करके? नहीं अंकल, ऐसे तो कोई बात नहीं। आप ऐसे क्यों? तो सब ठीक है ना? हाँ अंकल सब सब कुछ ठीक है एकदम बिल्कुल। तो मैं चलूं? फिर अगली 7 तारीख को मिलेंगे है ना? जी। रब रखा। बाय अंकल। कैसे पता चला? I don't know. ये चेक क्या ट्रस्ट के नाम पे होगा? I wish तुम्हारा भी कोई अपना नॉमिनी होता। सोच लो, मैं रेडी हूं अभी भी। चलो चलो चलो, कुछ नहीं हुआ, चलो चलो आगे बढ़ो। आ जाओ अंकल जी, आ जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। हाँ जी अंकल जी, क्या हो गया, चोट पोट तो नहीं लगी? लगी है यार, पानी बता अंकल जी को। कौन थे बाइक वाले, है मार के चले गए? हालत देखो। हाँ मैं ठीक हूँ अंकल जी। अरे लेकिन स्कूटर तो टूटा गया ना पूरा। पानी पियो आप, पानी पियो, स्कूटर मैंने देख लेना। आप चिंता ना करो इसकी यार, इसको संभाल यार। अंकल जी सब हाथ वात बढ़िया है ना? हाँ मैं ठीक हूँ जी, बिल्कुल ठीक यार। रिक्शा रोक यार। ओए ऑटो रुक, अमर कॉलोनी जाएगा? हाँ भाई अमर कॉलोनी, अमर कॉलोनी में रहते ना? हाँ, अमर कॉलोनी, अमर कॉलोनी पास में। भाई साहब मान ही जाऊंगा। अबे पूछा तुझसे किसी ने? भाई साहब दूसरा पकड़ लो ना। अरे क्यों पकड़ रही हूं, क्यों नहीं जाएगा तू? हिट एंड रन केस है, समझ नहीं आ रहा तेरे को? चुप खड़ा रह, चोट लगी है। अंकल जी आप ना अपना ख्याल रखो। हाँ और सेफली घर पहुंच जाना, और घर पहुंच के ना मेरा वो वाला काम कर देना। आपको फोन पे जो बोला था ना मैंने, बताया तो था, उन तीनों लड़कियों को ना घर से बाहर कर दो आप। अजी कर दो, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी लड़कियाँ नहीं है वो। रेट का ना, रेट का डिस्प्यूट हो गया था मेरे दोस्तों के साथ, एक ने ना मतलब समझो कि मतलब मर्डर कर दिया उसको ऑलमोस्ट। बाहर करो गश्ती पार्टी को आप। हाँ मैं आपको फोन करता हूँ, बैठो बैठो बैठो, चल भाई ये ले लो। हाँ ये आपका बैग भी देखो, संभाल के रखा है। चल हेलो। हाँ कसूरी लाल जी। बेटा मुझे पहले भी टेलीफोन आया था, मैंने तुम्हें बताया नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करी उसके बारे में। वो यही कह रहे थे कि इन लड़कियों को बाहर निकाल दो, ये लड़कियां ठीक नहीं है। फिर मैं उसके बाद मैंने उनको कुछ नहीं कहा, तो मैं जब स्कूटर पे जा रहा था तो दो आदमी ने मुझे टक्कर मारी और नीचे गिरा दिया, और गिराते ही आके बोले अरे
इन लड़कियों को घर से निकाल दो, ये लड़कियां ठीक नहीं है। ये हो क्या रहा है बेटा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कसूरीलाल जी, मैं आपको वापस फोन करती हूँ, प्लीज सब कुछ बताती हूँ, आप ठीक है ना? हाँ बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मुझे बताओ ये क्या हो रहा है। मैं आपको सब बताती हूँ, मैं आपको फोन करती हूँ। ओके बेटा। आपने नहीं सोचा फलक, हमने सोचा। आपने सोचा होता तो उनके साथ नहीं जाती इस तरह अकेले कमरे में, इतना क्या एंजॉयमेंट। मीनल का तो समझ में आता है, लेकिन ऐसे मीनल का क्या समझ में आता है? लुक फलक, आई कैन आइदर बी ट्रूथफुल और लिबरल, व्हाट डू यू वांट मी टू बी? ओपिनियंस लेने नहीं आई थी जावेद, आई जस्ट वॉन्टेड यू टू होल्ड मी। हाँ भाई क्या बोलो डॉक्टर? वीरू दिख रहा है ना क्या हुआ है, क्या बोलेगा डॉक्टर? बस वो मीनल मिल जाए ना। भाई मिल जाएगी, उसमें भी क्या है, तो देखना आगे मैं क्या करने वाला हूँ। तुझे खुद की क्यों मस्ती रहती है? मस्ती रहती है तो था वहाँ पे? नहीं था। तो चाबी की लोग आ रहा है तो तेरी क्या फटती है क्या उनसे? फटने की क्या बात है इसमें? विश्वा तू चुप कर। अरे हाँ डर लगता है तुझे, तू गाड़ी रोक यार डंपी एक बार, मुझे बात करनी है उनसे। तू क्या बात करेगा उससे, इसको पहले चुप कर। हेलो मीनल, उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब पंग हो रहा है? I mean the issue is you hurt my friend, he's going to lose an eye and you're going to pay for it. I'm sorry, लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि तू चुप कर, ठीक है? स्टार्ट तूने करा था, कोई उठा के नहीं लाता तुझे, खुद चल के आई थी ना तैयार होके वहां पर। गुस्सा आ गया था मुझे यार, I got angry. अच्छा जी, now he is angry, हैं? And I am angry. अब तेरा कांड होगा। अब तेरे मजे लिए जाएंगे। अच्छा, तो फिर फोन पे क्या धमकी दे रहा है? आना सामने, देखती हूँ मैं। आ सामने। मैं आऊँगा ना सामने तो तू बोलेगी जाओ जाओ, ठीक है? बैक करेगी। I'm bored you coward. So stop talking and come and show me what you can do. Hello? Hello? बहुत झूल है यार इसमें। इसकी तो कायदे से बैंड, इसकी तो मजा आ जाएगा बजाने में। यार तू मेरा कॉल ही ले लेते, मैं कॉल करके बता देते। आई डिडंट वांट टू बॉदर यू, बट आज कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सो आई थॉट मे बी तुमसे बात करके आई गेट सम क्लैरिटी। क्लैरिटी है तुम लोगों को, यू गर्ल्स आर रियली ब्रेव। जब गलती नहीं है तो भागो मत, माफी मत मांगो, और मीनल को वापस जाके कंप्लेंट करनी चाहिए। व्हाट देखिए ओके कम ऑन।
को। सिन्हा और गुप्ता को तुम्हें फ्लैट किराए पर ना देने को भी कहा है, लेकिन तुम्हें चिंता किस बात की है? तुम जहाँ रह रहे हो वहीं रहो। अगर कल पूरी मैनेजिंग कमेटी उठ के कुछ बोलेगी तब आप क्या करेंगे? जब बोलेगी तब देखेंगे बेटा। मैं तो सोचता हूँ कि तुम लोगों को भी कोई एक्शन लेना चाहिए, पुलिस में कंप्लेंट तो करो। अंकल हम बात बढ़ाना नहीं चाहते। अरे व्हाट्स रॉन्ग? It was a very good show. बाहर कितने लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हें मिलने के लिए, जल्दी करो। ठीक हाँ नथिंग, I'll come. Come soon. Meena, is everything okay? You seem very off today. सब गड़बड़ हो रहा है यार, तुम जानती नहीं हो बहुत कनेक्टेड लोग हैं ये, और यार तुम लड़कियां हो, मतलब बात बढ़ेगी तो बदनामी किसकी होगी, उनकी या तुम्हारी? कोई जरूरत नहीं है यार, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। देखो कल मैं उसके साथ आऊंगा कॉलोनी, सॉरी बोलो, इवन इफ यू डोंट मीन इट, सिर्फ सॉरी की बात है यार, सॉरी बोलो बात खत्म, बोल के आगे बढ़ते हैं ना। हाँ लेट्स जस्ट फिनिश इट हियर। तो मैडम ये जो घटना हुई है ये तो सूरजकुंड में हुई है ना जी? तो केस वहीं बनेगा मैडम जी, पर वो थ्रेटन तो यहाँ कर रहे हैं ना हमें। अच्छा मतलब आप रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं उनके खिलाफ? जी देखो मैडम जी क्या है कि एक बार अगर इन्वेस्टिगेशन खुल गई ना तो आपको मालूम है क्या होगा, आपकी तो डेली लाइफ खत्म हो जाएगी बिल्कुल। मतलब आपने रिपोर्ट लिखवाई तो आपको डेली पुलिस स्टेशन आना जाना पड़ेगा। अच्छा मैडम उस लड़के का तो बहुत खून निकला होगा, तो रिपोर्ट तो उसकी भी बनती है। चलो जी देखता हूँ फिर मैं रिपोर्ट। सर आप उन्हें उन लड़कों को वार्न कर दीजिए ना। हाँ वार्न कर सकते हैं मैडम बिल्कुल, चार्ज तो इन पर भी लगेगा जी, असॉल्ट किया है मैडम आपने उसका है ना, और उसकी जो FIR उसकी दर्ज होगी ना तो फिर आपको मालूम है कि सब कुछ तो नशे में है मैडम, आप भी तो धुत थे नहीं, नशे में थे मैडम सब। पर वो जो हाँ मैडम सॉरी बोलो, पर वो फोन पे जो धमकी दिया जा रहा है। अरे धमकी गाली का क्या है, फ्री की चीजें देने दो क्या फर्क पड़ता है, इट इज नथिंग। थैंक गॉड, मैं तो कहूँगा जी भगवान का शुक्र है कि आपको उस रात कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल सेफ हो, कहीं कुछ हो जाता तो। और अपना मुझे आप पर बहुत गुस्सा आ रहा है जी, आपके जैसी अच्छी लड़की ऐसे लड़कों के साथ जाती है कहीं ना जाती है कहीं बताओ? आप अपनी मर्जी से कमरे में गए जी, एंजॉय किया आपने, गिव एंड टेक, जोकिंग वोकिंग, दारू वारू करते आप सब हो, और बाद में वो बिंदे वाली जो फौज है ना वो हमारे पीछे टूट पड़ती है, मोमबत्ती मोमबत्ती जलाने लगती है कि जी आप सेफ नहीं हो बताओ। देखो जी एक सजेशन है मेरा, आप आज की रात है ना ठंडे दिमाग से सोच लो है ना, डिसाइड कर लो भाई क्या करना है, इनसे सलाह मशवरा कर लो, एक्सपीरियंस लग रही है मुझे ये कुछ, आप थोड़ा सा इनकी मदद करो ना मैडम, उसके बाद तो हम है जी। चाय वाय मंगवा मैडम कुछ नहीं ठंडा। दिस इज अप सर, तुम्हें पहले बताना चाहिए था मुझको। पति पहले लगा कि सब ठीक हो जाएगा थोड़े टाइम बाद, और हेलो प्रदीप,
How are you? Oh, I'm fine, thank you. अच्छा listen यार, ये साउथ में एसीपी कौन है? Actually, उस वक्त आपने सूरजकुंड में तो एफआईआर करा नहीं. So the option we have now, we lodge a zero FIR here in Delhi. Okay. Okay. ठीक है सर, पर उसके बाद? Once you lodge this, I'll put pressure on them. And we'll see to it that the boys stop. Not to worry, relax. तुमने जाके पुलिस कंप्लेन कर दी, पूछा तक नहीं. अकेले का डिसीजन था तुम्हारा. पुलिस क्या करती है, कैसे करती है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है क्या मीना? ट्रस्ट कर सकते हैं उनको? And Vishwan company can be trusted. देख फलक, you know these guys and what they can do. तभी तो कह रही हूँ, इसीलिए तो सब कुछ खत्म करना चाहती हूँ तुम लोग. तो फिर क्या करूँ बता? कंप्लेन वापस ले लूँ, उनसे माफी मांग लूँ, पैरों में गिर जाऊँ उनके? बता क्या करूँ बता? मीनू, तुम, मैं, एंड्रिया क्यों आए हैं यहाँ पे? जॉब करने आए हैं, काम करने आए हैं, एक नॉर्मल लाइफ लीड करने आए हैं या पुलिस के चक्कर काटने? इफ माई डैड फाइंड्स आउट अबाउट दिस, मुझे तो लगता है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. मैं तेरे को भी... तुम प्लीज प्लीज चीजों को और कॉम्प्लिकेट मत करो. मैं कल सुबह विश्वा को फोन कर रही हूँ और ये सब कुछ खत्म कर रही हूँ. रो रही थी यार, सुन रहा है? सॉरी भी बोल रही थी. वेरी गुड, बिगिनिंग अच्छी है, दी एंड इससे बेटर होगा. तूने अब कुआं ली ना उसकी, पर क्या चाहिए तुझे बताऊं? डूड, व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार? कुआं था भी नहीं. मैं होता तो इतना कांड थोड़ी होता. और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं बस ट्रेडिशंस फॉलो कर रहा हूँ यार. बंदियों की जितनी औकात होती है ना, उनको बताती रहनी पड़ेगी. तुझे नहीं करना कॉम्प्रोमाइज, मना कर दूं? हाँ, सॉरी नहीं सुनना. पलक का फोन, उठाऊं? हेलो विश्वा, हाय फलक. हाँ फलक. हाँ, वो तुमने कहा था ना कि कॉम्प्रोमाइज के बारे में बात करनी. हाँ, वीरू मेरे साथी है, ले बात कर. फलक देख सुन मेरी बात, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेयर इज मीना? राजवीर, लुक, उस दिन जो भी हुआ हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ. कैन वी जस्ट, मैंने तुझे बोला ना, मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. तू ऐसा कर, तू बीच में मत पड़, मिनल को फोन दे. हाँ, लेकिन मेरी विश्वास से बात हो गई थी कि हम तुमसे सॉरी. फलक, वेयर इज दैट विच मिनल? मुझे उसके मुंह से सॉरी सुनना है, पीरियड. राजवीर, प्लीज, यू प्लीज प्लीज डोंट टॉक लाइक दैट. देखिए, मोरालिटी का लेक्चर ना अपने पास रख, मिनल को फोन दे, चल. मैंने तुझे बोला ना कि मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है. Get that slag on the line और उसको फोन पर लेकर आ अभी. Don't you get it? उसको फोन दे. मैंने तुझे बोला ना कि मुझे तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन मुझे प्रॉब्लम है तुमसे, तुमसे, तुम्हारी लैंग्वेज से, तुम्हारी दिमाग में भरे हुए कूड़े से. तुम्हें क्या लगता है हम तुमसे डर गए हैं इसलिए तुम्हें फोन कर रहे हैं? मीनल को तुम्हारी एक नहीं, दोनों आंखें फोड़नी चाहिए थी. यू जस्ट वेट एंड वॉच नाउ, जेल में सड़ोगे तुम, समझे? हेलो, सर ने आपको बुलाया है? हाँ थी. यस सर. सॉरी, दिस इज ऑकवर्ड यार. लुक फलक, we are an image conscious company and my boss Tushar Singhal has just I don't know. I understand, yeah, but with this merger I don't know about this. tum ek kaam kyun nahi karte? why don't you take a few days off? tum chutti pe chali jao yaar, and
you know, look for prospects. This is, you know how it is. Yes, sir. I don't know how it is. Sir, can you please ask your accounts department to just clear my dues? डिस्क्रिप्शन तो दिया था मैंने आपको। हाँ, हमने वो फॉरवर्ड कर दिया है, लेकिन वहाँ पर ऐसी कोई गाड़ी नहीं मिली है। पता नहीं क्या देख लिया आपने। ठंडी है भाई, ठीक है, कितना शोर शराबा करना है कर ले ले। खाकर सड़क पर उसे ढूंढने। अरे दीपक, सैगल, कोई नॉर्थ। नॉर्थ उसे उठा के ले गए, वो लड़की। नॉर्थ, यस, बैक गेट, कोई नॉर्थ। हमें समझ गया, नॉर्थ में समझ गया। छोड़ दे प्लीज, प्लीज छोड़ दे यार, प्लीज छोड़ दे यार। अरे यार, तुम लोग के चिकोड़ कोई नॉर्थ यू डंपी सर्च ना। साकेत, सब पुलिस स्टेशन देखे, ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ है। आराम से यार, गलती है क्या? गेटिंग टर्न डाउन, इसको मुझे नहीं करवाने, इससे पता लेना है। गाड़ी रुक यार, एक बार गाड़ी रुक ना। किसी को ना कुछ बोलियो मत, समझी? ये सिर्फ इंट्रो था, ओके? कैच यू लेटर। चल निकल। What happened? Falak!
Are you okay? Meena? What happened? Meena, are you okay? Meena, are you okay? What happened? I'll go get a towel. Get a towel for me. Meena, come and sit here. Come and sit here. सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है. लेट्स जस्ट लीव दिस प्लेस. हाँ शौकीन. जय जनाब. जनाब एक कंप्लेंट आई है. वो लड़कियों का केस है. तफ्तीश करनी पड़ेगी जनाब. हाँ तो करो. क्या प्रॉब्लम है? अरे जनाब जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट है ना वो रंजीत सिंह का भतीजा है. साउथ दिल्ली वाला? जी. हाँ तो रखो फोन. जय जनाब. सर मैं जेसीपी अमोद बोल रहा हूँ. सर वो रंजीत सिंह के भतीजे के खिलाफ सूरजकुंड में रिपोर्ट दर्ज हुई है. सर मॉलेस्टेशन का मामला है. राइट सर. कहाँ हुआ ये सब? सूरजकुंड में. कौन कौन थे वहाँ? मैं विश्वास डंपी थे. मुझे नहीं था. ये आपके साथ पटियाला गया था. और लड़कियां कहाँ की थी? एक तो दिल्ली की है, एक लखनऊ से है और तीसरी अरुणाचल सिक्किम विक्किम कहीं से तो है. नॉर्थ ईस्ट से. जाओ तुम जाओ. वीरू तू यहीं रुको. इतनी बड़ी दाढ़ी होगी तेरी, अब तो इन बच्चों के साथ उठना बैठना बंद कर दे. थाने से हैं जी. जी बोलिए. एफआईआर लॉन्च हो गया. तुम तीनों में से मीनल कौन है? जी जी मैं. चलो जरा नीचे. क्यों? पर क्यों? एसएचओ मैडम बात करेंगी. अरे तो यहाँ बात करिए ना. यार मैं क्या करूंगी बात, मैडम ही करेंगी. एसएचओ मैडम देख क्या रही हो. चलो. हाथ तो छोड़िए ना मेरा तो. हाँ हाँ चल चल. मीनल अरोड़ा आप हैं? हाँ जी. चलिए हमारे साथ पूछताछ करनी है. मैम ऊपर चल के बात करते हैं. क्या ऊपर चल के बात करते हैं? प्रॉब्लम क्या है? चल बैठ. वारंट है इसके खिलाफ. मुकेश 307 का चार्ज लगा मैडम. अटेम्प्ट टू मर्डर और 7 दिन से हम लोग तलाश कर रहे हैं. चलिए कमेंट थाने में. चलिए कमेंट तो हमने ही फाइल किया. लगी है. चलिए बात करनी मैडम. मैंने ऐसा कुछ नहीं किया. कंप्लेंट लड़कियां अकेली रहेंगी तो ऐसे ही होगा. आपने कहा था कि एसएचओ मैम 11 बजे तक आ जाएंगी. 12 बज गए.
मैडम आने पे बता दिया जाएगा आपको। लेकिन कुछ टाइम तो। मैडम बैठिए बाहर, चलिए आप। हाँ पुत्र, मैं आ गया हूँ यहाँ पर थाने पे। हाँ किधर आना है? बाद में आएंगे मैडम, उधर जाके बैठिए, 6 बजे के बाद यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन आप कब तक रखेंगे उसको लॉकअप में, एक बार मिलने तो दीजिए। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो मैम आप अपना, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट में जाकर आप बेल की तैयारी करो। साढ़े 8 बज गए हैं, पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। अंकल आप जाइए ना, हम हैं यहाँ। विल वेट। बेटा कैसे चला जाऊँ मैं? चीजें आगे दो। मैम प्लीज एक बार। राजेश जी। मैडम 2 मिनट के लिए मिलवा देना जी। थैंक यू मैम। चलो। थैंक यू। बेटा तू ठीक तो है? पापा आप घर चले जाइए। पापा प्लीज, पापा घर चले जाइए। आप क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। वारंट दिखाया था इसे, आपकी छोरी पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज है। लड़का मर मुरा जाता तो पेशा करते, वो पता है कि नहीं आपको? क्या बोल रही हैं आप? चुपचाप खड़ी रहे, बाहर निकलवा दूंगी, नहीं तो ये क्या बताएंगी इनका भी नाम इस केस में। एक काम करो, यह है जी आपकी FIR की कॉपी। I told you to be careful. Paper gone. What paper? Paper, oh, copy, complaint copy. हाँ लेकिन आपको क्या करना है? I just want to charge क्या है मैं? You show me the complaint paper. So, Meenal. Police station man, you're Falak, Falak. And Andrea. She's Andrea. Charges are section 320 with 324, causing grievous injury, section 307, attempt to murder, attempt to extort, and prostitution. Friday ko uthaya, taki bail na mil sake. Bail to waise bhi nahi mil sakti. They said it's a non-bailable offense. Pen? Your pen? एक लॉयर करना, सैटरडे को सेशंस जज के घर पे जाकर एक इमरजेंसी बेल प्ले डालने को बोल। यस, इमरजेंसी बेल प्ले। वैसे वेमेन और माइनर्स को बेल मिल सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए। यस। फलक सी दिस। कोई नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मिस्टर कुमार एक रुपया हाँ जी मैम। अरे आपको बोला था मंडे को आने के लिए, मैंने हो जाएगा। मैं मंडे का आपका बिल 100% करा दूंगा, थोड़ा उसका ख्याल रखना, पक्का हो जाएगा। और नंबर तो है मेरे आपके पास ना, नहीं तो इनके दोबारा नंबर दे देना, ठीक है? चलो 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 बंद करने दो।
Consultations, conference. Blocking fees. Yes, yes, yes. Sir. So, सबने मना कर दिया है. But there is a lawyer who's willing to represent us. Yeah. Who? Some Kumar. Then, what do we do? Mr. Sehgal. हम सब बहुत डर गए. मिनल को मैंने इतना हेल्पलेस कभी नहीं देखा. शी इज अ वेरी ब्रेव गर्ल. मिस्टर सैगल, मिनल बाहर आ जाएगी ना? We are normal working girls, Mr. Sehgal. अंदर
खबरदारी की डेट मिली है हियरिंग के लिए। यू ऑल मस्ट बी रेडी। बनाए गए थे क्योंकि सोसाइटी में औरतों का बुरी तरह से रिप्रेशन हो रहा था, तो उनकी सेफ्टी के लिए कई नए कानून बनाए गए या एग्जिस्टिंग लॉज मजबूत किया गया, जैसे कि रेप, डाउरी और मोलेस्टेशन को लेकर जो लॉज थे उन्हें। अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ सालों से अब कई महिलाएं इन्हीं लॉज को लेकर शरीफ और डिसेंट लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें ब्लैकमेल करके एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इस केस में भी यही हुआ है। 1 मार्च की रात को एक रॉक कंसर्ट में मीनल अरोरा और उसकी फ्रेंड्स ने पहले राजवीर सिंह और उसके दोस्तों से दोस्ती गाठी। उसके बाद में राजवीर सिंह ने जब इन्हें पास के आरएस रिसॉर्ट में डिनर के लिए इनवाइट किया इन गुड फेथ, तो उन्होंने इन्हें सॉलिसिट किया और उसके बाद में पैसे के बदले सेक्सुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के ऑफर दिए। तो पहले तो राजवीर घबराया, उसके बाद में उसने साफ मना कर दिया। तो मीनल ने उसे थ्रेट दी, उसे रेप के इल्जाम में फंसाने की धमकी दी। राजवीर ने फिर भी इनकार किया तो मीनल ने उस पर हमला कर दिया, उसकी जान लेने की कोशिश की। द अटैक वॉज टोटली अनप्रोवोक्ड एंड विशियस। उसके बाद में ये लड़की अपने साथियों के साथ घटनास्थल से भाग गई। सर, इसमें क्लियरली अटेम्प्ट टू एक्सटॉर्ट सॉलिसिटिंग सेक्शन 320 टू बी रेड विद 324 के अंडर कॉजिंग ग्रीवियस इंजरी एंड सेक्शन 307 के अंडर अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस बनते हैं सर, एंड दैट इज ऑल। जॉन दीपक जी, मिस्टर सहगल, opening arguments, please. So let me make it clear, police ke paas koi case nahi hai. Deepak ji, aap zara zor se bolenge please. Sir, let me make it clear, police ke paas koi case nahi hai. It's a case of vindictive litigation. Cases actually ye bante hain section 354 outraging the modesty of a woman. Aisa Rajveer Singh ne mere client Meenal Arora ke saath सूरज कुंड के आरएस रिजॉर्ट में किया, लेकिन पुलिस ने राजवीर सिंह के इन्फ्लुएंस में आकर मेरे क्लाइंट मीनल अरोरा की कंप्लेंट को इग्नोर करके राजवीर सिंह की कंप्लेंट के बेसिस पर एक चार्जशीट दर्ज कर दिया। ही दूसरा चार्ज है सेक्शन 503 टू बी रेड विद 506 क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ये लड़के कॉन्स्टेंटली उस घटना के बाद मेरे क्लाइंट और उनके दोस्तों को धमका और डरा रहे थे। देवर और उस क्राइम को छुपाने के लिए इन्होंने 2 जुर्म और किए, सेक्शन 340 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अंकित मल्होत्रा और रौनक आनंद उर्फ डम्पी ने अपने 2 साथियों के साथ मेरे क्लाइंट को एक गाड़ी में कन्फाइन किया और उसे रेप मोलेस्ट किया। और कुछ सर? इज दैट ऑल? यस। प्रशांत जी, सबसे पहले मैं इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर सरला प्रेमचंद जी को बुलाना चाहता हूँ। आपने फाइनल चार्जशीट किस बेसिस पे फाइल किया ऑफिसर? जनाब, लड़कों की कंप्लेंट मेरे पास बहुत पहले आ चुकी थी और महिला ऑफिसर होने के नाते क्योंकि मामला लड़कियों का था तो मैंने डायरेक्ट एक्शन लेने की बजाय डिटेल इन्वेस्टिगेशन की थी। तो इससे ये पता चला जी कि घटना के वक्त लड़कियां आरएस रिजॉर्ट में मौजूद थी और लड़कियों के एफआईआर में दम नहीं लगा जी मुझे कुछ। फिर आपने इमीडिएटली मिस अरोरा को अरेस्ट नहीं किया? जनाब, ये फरार थी। फिर बिना इनके किसी कन्फेशन के आपको कैसे पता चला कि इन्होंने ही राजवीर को बुरी तरह से मारा? कंप्लेंट के बाद जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो वहाँ के मैनेजर और वेटर ने जी इनके खिलाफ गवाही दी थी हमें। राइट। जिस बोतल से वार किया गया वो भी आपने मरम्मत की? जी जनाब। एग्जिबिट PW11 है सर, मीनल अरोरा के फिंगरप्रिंट्स भी हैं। दैट्स ऑल। दीपक जी, क्रॉस लेंगे? नो क्रॉस। मैं इमीडिएटली डॉक्टर उदय को बुलाना चाहूंगा। चोट किस इंटेंसिटी से की गई थी? बोतल टूटती नहीं तो द ब्लंट फोर्स ट्रॉमा वुड हैव प्रोबब्ली किल्ड राजवीर सिंह। काफी डीप कट था, बोतल बहुत फोर्स से मारी गई थी।
कांच के कुछ टुकड़े अगर किसी क्रिटिकल आर्टरी को पियर्स कर देते या थोड़े भी इधर उधर हो जाते तो राजवीर की जान भी जा सकती थी। जी दैट्स ऑल योर ऑनर। दीपक जी क्रॉस नो क्रॉस योर ऑनर। मैं अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए आरएस रिसॉर्ट के वेटर मुकेश कुमार को बुलाना चाहूंगा। ये वही लड़की है जिसने राजवीर पे हमला किया था। जी क्या हुआ था उस रात को? जी उस रात ये आराम से पहले बैठे हुए थे, हंस हंस के बातें कर रहे थे आपस में। मैंने लड़कियों के हाव भाव और कपड़े देख के मैनेजर साहब को पहले ही कहा था कि ये कोई कपल वपल नहीं है, निकाल दो, सुबह ही जाएंगी। अब ऐसी लड़कियां मैंने बिल्कुल नॉर्मल कपड़े डाले हुए। डोंट स्पीक आउट ऑफ टर्न। नहीं लेकिन सिर्फ कपड़ों से तो आप ऐसी बातें गैस नहीं कर सकते ना। नहीं तो ये लड़कियां लड़कों के कमरे में क्यों जाती, आप ये सोचिए ना। और वहां भी एक एक लड़की एक एक लड़के को अलग अलग ले जा रही थी। पहले कौन लड़की गई? जी वो चश्मे वाली। But sir, I just went to use the toilet. Mr. Sehgal, अपने क्लाइंट से बात कीजिए। फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद अचानक से चिल्लम चिल्ली हुई, मैं वहां गया तो ये वहां से भाग के जा रही थी और इन साहब का चेहरा पूरा खुनम खुन हो रखा था। That's all, Your Honor. दीपक जी नो क्रॉस सर। Sir, why are you not questioning? अब मैं मैनेजर रमाकांत विजय को बुलाना चाहूंगा। आप कोर्ट को ये बतलाइए कि जब आप अपने कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहे थे नीचे रेस्टोरेंट में, तब मीनल राजवीर से क्या कह रही थी? सर मैं कैसे बता सकता हूँ इतने लोगों के बीच में। आई अंडरस्टैंड आप हिचक रहे हैं लेकिन कोर्ट के पास इतना वक्त नहीं होता, तो प्लीज जरा जल्दी बताइए। सर वो कुछ लड़का लड़की जो प्राइवेट में करते हैं ना आपस में, वो उसकी बात कर रही थी और मैं वहां से गुजर रहा था तभी मैंने ये सुना। सर ही इज लाइंग। गेट योर चांस। मगर मैंने ऐसा कुछ कहा है। दीपक जी मीनल जज साहब कह रहे हैं कि यू विल गेट योर चांस, जस्ट सिट डाउन एंड बी क्वाइट, जस्ट सिट। क्रॉस करेंगे आप? नो क्रॉस योर ऑनर। मीनल अरोरा प्लीज टेक द स्टैंड। आप पे चार्जेस बहुत सीरियस हैं, आपको कुछ बोलना है? ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं सर। अब जाइए। प्लीज राइट द अक्यूज्ड हैज प्लीडेड नॉट गिल्टी। दीपक कैसे हो? टाइम पे दवाई ले रहे हो ना? What? सारा घर जाना चाहती है मगर सो एंड्रिया प्रियांक आप नॉर्थ ईस्ट से हैं? यस। नॉर्थ ईस्ट में कहां से? मणिपुर से। मेघालया से। आप ये बताइए कोर्ट को कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन सर, कोर्ट में अभी तक ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है। प्रूव करने के लिए सवाल करना जरूरी है ना मिस्टर सहगल। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सॉलिसिटिंग? दिस इज अ लाई, आई डू नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। एंड्रिया यू डोंट हैव टू जवाब देना, जरूरी नहीं है। सर आई वर्क एट एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, आई एम बीइंग रॉन्गली अक्यूज्ड। तो फिर आप उस दिन डंपी के साथ दूसरे कमरे में क्यों गई थी? टॉयलेट करने गई थी। तो काफी देर रुकी भी थी आप उस रूम में? Yes, but he... I don't want an explanation, ma'am. I just want an answer, clear cut answer. Yes, I was there for some time. You were there. तो जिस रूम में आप टॉयलेट इस्तेमाल करने के लिए गईं, उस रूम का दरवाजा किसने बंद की? I don't remember. आपने बंद की। होटल के सिक्योरिटी में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसमें साफ फुटेज है। पहले लंबी अंदर जाता है, उसके बाद में आप अंदर जाती हैं, उसके बाद में आप तो अपने दोनों हाथों से दरवाजा क्लोज करती हैं। Then maybe I did. That's all, Your Honor. I would like to cross question. So, Andrea, आप नॉर्थ ईस्ट से हैं? मेघालय, मेघा, क्लाउड्स, माउंटेन्स, ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड फुटबॉल। हाउ इज दिस रेलेवेंट? आई थॉट इट इज। मुकेश कुमार से नहीं पूछा कि क्या वो
राजस्थान से है। सरला प्रेमचंद जी से नहीं पूछा कि वो हरियाणा से क्यों है, डॉक्टर से नहीं पूछा, रमाकांत विजय से नहीं पूछा। सो आई थॉट कि प्रशांत जी अगर अंद्रिया से पूछ रहे हैं तो दे मे बी सम रेलेवेंस। सो आई फील एज अ नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल आई एम बीइंग हैरस्ड मोर देन द एवरेज इंडियन गर्ल ऑन द स्ट्रीट। सो अंद्रिया, व्हाट वाज द रीजन कि आप उस कमरे में गई? राजवीर सेड द फ्लश वाजंट वर्किंग, ही टोल्ड मी टू गो टू द अदर रूम। चेक किया था आपने? नहीं, बट राजवीर का रूम था। He told me to go to the other room. What could I have done? आप अकेले क्यों नहीं गई? Rajvi said that the room was locked. He told Dumpy to open it for me, and he just followed me to the other room. Why did you shut the door and not him? सोचा नहीं clearly. I was in a rush. He was turning on the lights. It was instinctive. Fair enough. Fair enough. फिर आप वहाँ रुक क्यों गई? क्या किया आपने? Answer me. The court wants to know. First I used the toilet, then when I came out of the toilet he had switched off the lights. I called out his name a few times. I was scared to step out, and then I heard him laughing in the room. Then wo mujhe touch karne laga. He pushed me to the bed and he started touching my he touched my That's all, Your Honor. प्रशांत जी, इट सीम्स क्वाइट क्लियर कि अंड्रिया उस रूम में क्यों गई और इतनी देर क्यों रुकी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आई डू गेट योर पॉइंट, एंड योर पॉइंट लीड्स मी टू द मेकिंग ऑफ ए गर्ल्स सेफ्टी मैनुअल। किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ कहीं भी अकेले नहीं जाना चाहिए, किसी रिजॉर्ट में या किसी टॉयलेट यूज करने के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा करने से वहां के लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वो विलिंगली वहां पर आई है और उन्हें उसे टच करने या छूने का लाइसेंस इश्यू कर दिया गया है। रूल नंबर वन, लेट्स नॉट मोरलाइज द इश्यू मिस्टर सहगल, लेट्स टॉक अबाउट द फैक्ट्स। सर, मैं अब रौनक आनंद उर्फ डंपी को बुलाना चाहूंगा। रौनक आनंद, आप आइए। नंपी आनंद, आप उस रात आंड्रे के साथ दूसरे कमरे में गए? ठीक है, तो होटल के लॉबी में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसके हिसाब से काफी देर तक अंदर थे आप दोनों। जी था। इतनी देर तक आप दोनों वहां पर क्या कर रहे थे? सर, सर ऐसी बातें मैं ओपनली कैसे बता दूं? आप केस कर लीजिए। ही इज लाइंग। आप चुप रहिए। सर, शी टोल्ड मी कि मीनल राजवीर से पैसों की बात कर लेगी। मैं काफी घबरा गया था सर, बिकॉज शी स्टार्टेड किसिंग मी और मेरे शर्ट के बटन खोलने लग गई। मैंने इन्हें रोका, इन्हें समझाने की कोशिश की। हाँ, डंपी आनंद, कोर्ट ये क्यों मान ले कि आपने उस वक्त रेसिस्ट किया? आफ्टर ऑल यू लुक लाइक ए फेयरली हैंडसम एंड यंग हेल्दी मैन, एंड एंड्रिया इज अ वेरी प्रिटी गर्ल। हसीन खूबसूरत लड़की के साथ में आप एक कमरे में बंद थे और आपने कुछ भी नहीं किया, रेसिस्ट किया अपने आप को, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव। सर, बिकॉज आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई एम कमिटेड टू हर, एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी डिसेंट फैमिली। सर, आई ऑब्जेक्ट। What? To this awkward performance, he's overacting. Sir, ये बकवास कर रहा है। He was flirting with her whole night, and she was just trying to ignore him. अब मैं इन्हीं को, को accused फलक अली को बुलाना चाहूँगा। I think she has a lot to say. तो अपने घर में कमाने वाली सिर्फ आप हैं? जी। आपके भाई के इलाज में तो काफी खर्च वगैरह होता होगा, मतलब he's a special child. जी। सैलरी कितनी है आपकी? 40,000। और हैंड में कितने मिलते हैं? 30,000। कुछ लोन्स वगैरह? जी, एक पर्सनल लोन है और एक होम डेवलपमेंट लोन। होम डेवलपमेंट लोन, तो पैसे की तो बहुत जरूरत रहती होगी आपको। हाँ, रहती है, मगर और कहीं से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट? नहीं सर, I'm not able to understand. Naturally, मैं ये खाली पूछना चाह रहा था कि आपको पैसे की जरूरत रहती है, और ये बतलाना चाह रहा था कि कहीं से आपका कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं। अब ये मैं क्यों पूछ और कह रहा हूँ, या ना, इसके लिए मैं राजवीर सिंह को बुलाना चाहता हूँ। राजवीर सिंह, आप आइए। उस दिन क्या हुआ था, या उस रात को क्या हुआ था, कोर्ट को बतलाइए सर। Well, we were at a rock show and... Objection. इसमें क्या ऑब्जेक्शन है आप? We all know, राजवीर सिंह की आपकी इनिशियल स्कूलिंग
एक टॉप इंटरनेशनल स्कूल में हुई, उसके बाद आपको इंजीनियरिंग करने का मौका मिला और आपने वो न परस्यू करके इकोनॉमिक्स करना चाहा। पहले तो आप यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़े, पर उसके बाद आप किंग्स कॉलेज लंदन गए इकोनॉमिक्स पढ़ने। मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, बट कैन यू रिमूव योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट? शो अच्छा फिर सर, इन्होंने हमें एक रॉक शो में देखा, फिर खूब घुल मिल के हंस हंस के बातें की। आपको उस वक्त शक नहीं हुआ कि बिना किसी जान पहचान के ये इतना खुल के कैसे बातें करें? सर रॉक शो में उतना शक नहीं हुआ, लगा लड़कियां थोड़ी फ्रेंडली सी हैं। हाँ। लेकिन रिजॉर्ट में साफ यकीन हो गया जब इन्होंने हिंट्स दिए। हिंट्स? क्या हिंट्स? यही कि चलो अलग अलग चलते हैं, यू कैन गिव अस समथिंग एंड वी कैन ऑल हैव अ गुड टाइम। ना, लेकिन फिर भी क्लियरली कुछ नहीं कहा। नहीं सर, पर जब इन्होंने फिर थोड़ी पी ली तो रूम में साफ साफ बात की। क्या बात? यही कि पैसों के बदले में हम इन लोगों के साथ एंजॉय कर सकते। मैं समझा नहीं, जरा खोल के बताइए। सर थोड़ा शक तो तब हुआ जब ये हमें अलग अलग ले जाए। आप घबरा गए इसके बाद में और आपने ऑब्जेक्शन। प्रशांत जी, आपने इन्हें स्टैंड में क्यों बुलाया है? आप खुद ही बोल दीजिए ना। प्रशांत जी, प्लीज डोंट लीड द विटनेस। सर रिजॉर्ट में मीनल ने मेरे लिए ड्रिंक बनाया, फिर मुझे टच करने लगी। मैंने भी रिस्पॉन्ड किया, एक्चुअली आई वेंट विद द फ्लो, लेकिन फिर इसने मुझसे पैसे मांगे एंड आई वाज शॉक्ड। मैं घबरा गया कि लड़कियां गलत हैं। मैंने इनको जाने के लिए बोला, मैंने इससे ये भी बोला कि मुझे इसके साथ कुछ नहीं करना। राइट। लेकिन फिर इसने बोला कि करना है नहीं करना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, आपको पैसे देने पड़ेंगे वरना मैं चिल्लाऊंगी कि आप लोग मेरा रेप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और पैसे देने के लिए आप तब भी नहीं माने? नहीं सर। फिर सर इसने मुझे धक्का वक्का मारा, इसके हाथ में जो बॉटल थी उससे मुझ पर अटैक किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। आई नीड टू क्वेश्चन राजवीर सिंह, आपने अभी कहा कि उसने कुछ हिंट्स दिए आपको, कैसे हिंट्स दिए उन्होंने? बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही थी, स्माइल वाइल दे रही थी, टच कर रही थी हाथ से बात करते वक्त। ओ, आपकी बात ख़त्म हो गई? जी। आपने कहा कि वो आपके साथ हंस हंस के बात कर रही थी और आपको टच कर रहे थे। सो बेसिकली दैट बिकम्स द मेकिंग ऑफ रूल नंबर टू ऑफ द गर्ल्स सेफ्टी मैनुअल। किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ हंस हंस के या उसे टच करके बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसे हिंट समझ लेगा हंसी को। हाँ, और उसका जो नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है वो उसके चालू होने का सबूत बन सकता है। सर मैं सच कह रहा हूं, मैंने देखा है, मेरी सोसाइटी के बहुत लोगों ने देखा है, लड़के तो आते हैं इनके यहाँ कभी कभी। गुप्ता जी, रात को ये जो लड़के आते हैं, जो कभी कभी घर आते हैं इनके, क्या ये सभी दोस्त हो सकते हैं? दोस्त हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं सहगल साहब। तो क्या करते हैं ये अंदर? आपने कभी इनकी बालकनी पे चढ़ के नहीं देखा? मैं ऐसे किसी के घर में कैसे जान सकता हूँ? तो आपने कभी इन लड़कियों को, इन लड़कों से पैसे लेते हुए या उनके साथ बेड या बिस्तर पे सोते हुए नहीं देखा होगा? नहीं, मगर नहीं, मैं मगर की गुंजाइश है ही नहीं गुप्ता जी। हमारी सोसाइटी के मिस्टर सिन्हा और मिस्टर गुप्ता, दे आर मियरली प्रिज्यूमिंग थिंग्स, बट दे मेक एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। लड़कियां लेट आती हैं, हमारे यहाँ घड़ी की सुई कैरेक्टर डिसाइड करती है। रात को लड़कियां जब सड़क पे जाती हैं अकेले तो गाड़ियां स्लो हो जाती हैं, उनके शीशे नीचे उतरने लगते हैं। दिन में ये महान आइडिया किसी को नहीं सोचता, नेवर। आपका अपना घर है दिल्ली में? जी। कहाँ? करोल बाग में। तो वहाँ तो आपके पेरेंट्स रहते हैं, तो उनको छोड़ के इन लड़कियों के साथ में अलग एक रूम में क्यों रहनी थी? सर मैं एक इंडिपेंडेंट वर्किंग वूमन हूँ, मेरा डांस शोज कभी कभी लेट ख़त्म होते थे और जब तक मैं घर नहीं पहुँचती थी मेरे पेरेंट्स जागे रहते थे, उनको तकलीफ ना हो। तकलीफ ना हो, ये आपका आइडिया था कि आप वो काम वहाँ नहीं कर सकती जो कि आप यहाँ करती? सैकड़ों इंडिपेंडेंट लड़कियाँ
लेट नाइट शिफ्ट में काम करने लड़कियां आज भी अपने घर में आराम से रहती। आप पैसे चुनती? से इन लड़कों से कहां और किन सर्कमस्टेंसेस में मिले? हम एक रॉक शो में मिले थे। विश्वा को मैं पहले से जानती थी, मेरा स्कूलमेट था। उसी ने हमें राजवीर और टम्पी से इंट्रोड्यूस करवाया। आप इनमें से किसी को पहले से जानती थी स्कूल से, इसलिए और आप इनके साथ गए? तब इनमें से किसी ने कोई ऐसी वैसी बात की हो जिससे आपको लगा हो कि आपको इनके साथ नहीं जाना चाहिए? नहीं, नहीं सर, हमें लगा कि हम सेफ हैं। फिर इन लोगों के बार बार रिक्वेस्ट करने पे हमने सोचा डिनर करके चले जाएंगे। विनोद जी, आप स्माइल करते रहे, एक्स्ट्रा फ्रेंडली थी आप। आई वाज नॉर्मल। Sorry? I was normal. Normal. खाना पीना normal, हंसना, इतने अच्छे hosts थे आपके ये मीनल जी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? सर पे बोतल दे मारी, क्यों? सर, he grabbed me. छोड़ ही नहीं रहा था सर। I don't know what came over me. Can't really explain. But sir, बहुत गंदी फीलिंग होती है जब कोई इस तरीके से छूता है। Then I lost it. I'm really sorry. इसको इतनी जोर से लगी। I didn't intend to. किसको अच्छा लगता है सर कोई इस तरीके से छुए जबरदस्ती? Need I say anything more, Your Honor? Look here. Meenal Arora says Rajveer Singh tried to outrage my modesty, and I did so to protect myself. Prashanti Cross. drama. The theatrics continue, Your Honor. ये बड़ी अच्छी तरीके से एडिट करके आपने घटना की रात वाली बातें बताई। अब जो फैक्ट्स छूट गए हैं वो मैं कोर्ट के सामने लाना चाहूं। मैं आपसे क्लियरली पूछता हूं देवी जी कि आपने कितने पैसे मांगे? ऑब्जेक्शन। प्रशांत जी केयरफुल। सर, मेरे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल है कि एक लड़की एक लड़के को सिर्फ थोड़ा बहुत जानती है, सिर्फ इसलिए वो उनके साथ में होटल के रूम में चली जाएगी। कौन सी लड़की ऐसे अचानक अजनबियों के साथ में रिसोर्ट में जाती? मुझे लगा पहले वो सेफ है, बट आई एग्री इट वाज अ मिस्टेक, मुझे नहीं जाना चाहिए। इट वाज नॉट अ मिस्टेक मैम, इट वॉज अ कैलकुलेटेड मूव। नो। यस, आपने खुद बोला कि वो लड़के आपको सेफ लगे। व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? मतलब लगा नहीं कि वो हार्मफुल है। हार्मफुल? हार्मफुल नहीं, लगा नहीं कि वो हार्मफुल है, यानी कि आपको लगा नहीं कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाएंगे या पहुंचाना चाहेंगे? जी। सीधे टाइप की डिसेंट लड़के। हाँ, मगर मैं तो आपको ये भी लगा होगा कि लड़के थोड़े फ्लैम्बॉयंट और रिच है, दे माइट बी इंटरेस्टेड, ये आपसे दब जाएंगे।
और आपको पैसा एक्सटॉर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन बाद में ऐसा हुआ नहीं, ना तो वो इंटरेस्टेड निकले और ना ही वापस दबे, और उसी वजह से इंसिडेंट हुआ। खाने की रिक्वेस्ट और इंसिस्टेंट की वजह से नहीं गई। उस टाइम फ्रेंडशिप हो गई थी। फ्रेंडशिप में सालों लगते हैं मिस मिनल रा। जान पहचान जान पहचान तो वही मैं कह रहा हूं कि आप राजवीर सिंह और उसके फ्रेंड्स का बैकग्राउंड जान गए कि वो इतने अमीर। उसने मुझे ये नहीं पता था कि वो कितने अमीर या गरीब या वेल कनेक्टेड है सर। चलिए मान लेते हैं कि आप बिना किसी मकसद के, बिना किसी ऐसे वैसे मकसद के वहां पहुंच गए डिनर के लिए, तो फिर ड्रिंक्स क्यों करने लग गई आप? इन्होंने ऑफर किया, इन्होंने ऑफर किया तो हमने एक एक ड्रिंक ले ली। चलिए कम से कम इसमें आपने क्लेम तो नहीं किया कि जबरदस्ती की गई। सर एक फोटोग्राफ हमने सबमिट की है फॉर द रिकॉर्ड, ये अपना ड्रिंक खुद बना रही थी, इत्तफाक से डंपी के मोबाइल पर ही कैप्चर हो गया। सर टेबल बहुत छोटा था। हाँ। तो राजवीर ने मुझसे वो बॉटल मांगी, काफी दूर थी उसके लिए, तो मैंने ड्रिंक उसके लिए पोर करके। पॉइंट नोटेड है योन कि राजवीर के लिए खुद इन्होंने ड्रिंक बनाया, यानी कि तैयारी रूम के अंदर जाने के साथ ही शुरू हो चुकी थी। सर बॉटल दूर पड़ी थी तो हरीशो कि आपने एक ही ड्रिंक ली थी? एक ड्रिंक बाहर रेस्टोरेंट में, फिर एक एक रूम में आके। बाहर नीचे आपने ऑब्सीन कन्वर्सेशन छेड़ा था राजवीर से, जिसके विटनेस मैनेजर भी हैं। व्हाट वाज दैट अबाउट? आई डोंट रिमेंबर। यू डोंट रिमेंबर, तो लेट मी रिमाइंड यू कि उसमें आप एक सेक्सुअल एक्ट का डिस्क्रिप्शन दे रही थी राजवीर को, मैनेजर ने अपने कानों से सुना। The way you describing different acts and how much you charge for it? I remember वो उसने एक जोक सुनाया था तो रिटर्न में मैंने भी एक जोक। What was the joke? प्रशांत जी क्या है ये? Sir, let her tell the joke. You're on a बड़े bluff कर रही है। I want to call her bluff. झूठ बोल रही है। झूठ नहीं बोल रही। तो सुनाइए ना परेशानी क्या है? अगर description जरा सा भी roughly भी वैसा होगा जैसा कि मैनेजर ने सुना तो हम मान लेंगे। I can't say. क्यों? क्या बना नहीं पा रहे हैं जो? प्राइवेट में और पब्लिक में जोक सुनाने में। इसमें पॉइंट यार। जब एक लड़की ऐसा जोक पब्लिकली सुना नहीं सकती, तो वो पब्लिकली एक्सेप्ट कैसे करेगी कि वो वहां ऐसे वैसे काम के लिए गई थी? वो नेचुरली यही कहेगी कि वो वहां पर सिंपल डिनर और सिंपल ड्रिंक्स के लिए गई थी। लेकिन कोर्ट को ये देखना पड़ेगा कि वो उन लोगों के साथ गई जो नितांत स्ट्रेंजर्स हैं, ऑलमोस्ट स्ट्रेंजर्स हैं उसके लिए। And that is why we can't depend on her statement. We will have to depend on other evidences. This video evidence, which we want to play in front of the court, will prove कि उन्होंने पैसे मांगे और लिए। ये पहली क्लिप में कैमरा वन की फुटेज में ये फलक जो है वो अकेले बाहर आती है, और फिर तीनों लड़कियां एक साथ बाहर आती हैं। इन तीनों के बीच में कुछ बातचीत होती है और ये तीनों मिलके कुछ डिसाइड करती हैं, फिर अंदर चली जाती है। और ये कैमरा टू का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें से एंड्रिया जो है डंपी के साथ बाहर आती है, और रूम नंबर 503 डंपी का रूम है उसकी तरफ आगे बढ़ती है। डंपी रूम खोलता है, लाइट ऑन करता है, और एंड्रिया दरवाजा बंद करती है, और थोड़ी देर बाद रूम की लाइट ऑफ हो जाती है। फलक विश्वा के साथ बाहर आती है, थोड़ी देर बाद चिल्लम चिल्ली होती है, सब राजवीर के कमरे की तरफ भागते हैं। अंदर मीनल ने राजवीर से और पैसे मांगे, उसने देने से इनकार कर दिया, तो इसने उससे झगड़ा किया, और अपनी गलती का एहसास होने के बाद में ये लोग वहां से भाग खड़े हुए। अगर इनकी गलती नहीं होती तो ये लोग वहां से भागती नहीं, अगर इनकी गलती नहीं होती तो ये फोन करके पुलिस को बुलाती, लेकिन ऐसी लड़कियां पुलिस को क्यों फोन करेंगी? वेटर और मैनेजर की गवाही है, इसके अलावा इनके नेबर्स की टेस्टिमनीज है कि जहां ये रहती हैं वहां पर भी सोसाइटी के लोगों को इन पे शक है कि ये कोई ऐसा वैसा काम करते हैं। दिस इज ब्लडी बुलशिट। मीनल अरोरा, लैंग्वेज। झूठ बोल रहे हैं आप और आपके क्लाइंट्स भी। इन लोगों की रिक्वेस्ट करने के बाद इंसिस्ट करने की वजह से हम लोग डिनर करने गए थे, कोई पैसे मांगने या लेने नहीं गए थे वहां पे।
रूम के अंदर बहुत स्मोक हो रखी थी और एंड इतनी देर से वापस नहीं आई थी इसलिए फलक बाहर चली गई. द मोमेंट आई गॉट अप टू गो ही स्टार्टेड टचिंग मी. इसको वार्निंग भी दिया, इसको जबरदस्ती पकड़ के रखा हुआ था मुझे. तभी मैंने इसके सिर पे बॉटल देखी मारी सर. अगर दोबारा करेगा ना सर तो दोबारा केज की बॉटल मारूंगी इसके सिर पे मैं. मीनाल अरोरा, नेक्स्ट टाइम एंड दिस कोर्ट विल हैव यू रिमूव्ड. मीनाल क्वाइट. कोर्ट इज एडजर्न्ड. सर मैंने नहीं मांगे थे सर पैसे. सर मैंने कोई पैसे नहीं लिए सर. प्लीज सुनिए तो सही सर, ये झूठ बोल रहे हैं सर. प्लीज हमने कोई पैसे नहीं मांगे थे सर. अलग बेटा, आज मीनल को घर भेज दो. I'd like to call SHO Suraj Kund. Sarla Premchand ji. Sarla Premchand. Superwoman. Ji. Deepan ji. Your Honor, Superwoman. Superman. Superwoman. Sarla ji, main aapse ye puchna chahta hoon ki complaint file karne ke baad ya itne dinon baad tak aapne Meenal Arora ko giriftar kyun nahi kiya? जनाब ये फरार थी, मिले नहीं रही थी, छुपी होंगे कहीं शायद. अरेस्ट होने से पहले ये आपको इतनी इजीली घर पे कैसे मिल गई? जी वो छुपते छुपते शायद बोर हो गई कि कोई ढूंढ नहीं रहा, क्या मतलब है छुपने का. टैक्सी पकड़ी, घर आ गई और आपको सडनली आराम से घर पे मिल गई. हमें जी आई कांट हियर यू. टिप मिली थी जी हमें. जी टिप मिली थी हमें. टिप? टिप ऑफ यू मीन? किससे? किससे दिया? जी सिविल ड्रेस में हमारी चौकी के लोग छोड़े थे जी, हमने इनके घर के आसपास. योर ऑनर ये झूठ बोल रही है. ना जी थे हमारी चौकी के लोग. आप झूठ बोल रही हैं सर. ना जी झूठ क्यों बोलूंगी? आप झूठ बोल रही हैं जी. नहीं सर थे वहां. नो यू आर लाइंग. ना जी मैं यू आर लाइंग. मैं झूठ क्यों बोलूं? हमारी चौकी के लोग. यू आर लाइंग. आपने देखा नहीं थे वहां पे जी. मैं आपसे कह रहा हूं आप झूठ बोल. ना जी मैं झूठ क्यों बोलूं? मैंने झूठ नहीं. इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर को इंटिमिडेट करने की जगह अगर मेरे लर्नेड काउंसिल उन्हें गलत साबित करें तो बेटर रहेगा. ओके दैट्स That seems fair. Yeah. Sarla ji, मैं अपनी बात को प्रूफ करना चाहूंगा. ये जो आपने रिपोर्ट लिखी उसकी कॉपी है, जो इंसिडेंट हुआ उसकी रिपोर्ट यहाँ डायरी की गई, ये यही है? हाँ जी मैंने लिखी है. लेकिन सरला जी उस दिन आप ड्यूटी पे नहीं थी. आपके एक मैरिज फंक्शन में प्रेजेंट होने के विटनेसेस हैं हमारे पास. ये आप है जी? नाइस. सॉरी सरला जी, बट डिस्पाइट द फैक्ट कि आप ड्यूटी पे नहीं थी, रिपोर्ट आपने अपने हैंडराइटिंग में की, अलग इंक अलग पेन से. कैसे? शादी से आ गई थी मैं तब तक. आप फरीदाबाद सेक्टर 77 के मैरिज हॉल से सूरजकुंड पुलिस स्टेशन सिर्फ 10 मिनट में आई. 11:05 में आप वहाँ से चलें और 11:15 बजे आप सूरजकुंड पुलिस स्टेशन पहुँच गए.
22 किलोमीटर का डिस्टेंस जिसे तय करने में नॉर्मली तकरीबन 42 मिनट लगते हैं, आपने इतनी जल्दी कैसे कवर कर लिया? Let me guess, 132 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर आपने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसी स्पीड से आप सूरजकुंड पुलिस स्टेशन पे आकर के आपने अपनी गाड़ी रोक दी। आपको स्पीड ट्रैक पे होना चाहिए, हाँ, आप पुलिस डिपार्टमेंट में अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। जनाब, इतनी बड़ी घटना थी तो गोली की स्पीड से जिप्सी चला के पहुंच गई जी मैं जैसे तैसे। इतनी बड़ी घटना और गोली की स्पीड से आप अपनी जिप्सी चला कर पहुंची, लेकिन रिपोर्ट आपने सिर्फ 2 लाइन में लिखी। ये आरएस रिजॉर्ट में मीनल अरोरा ने राजीव के सर पर जान लेने के इरादे से बोतल दे मारी, बहुत खून बहा। 2 लाइन में मैटर क्लियर हो गया जी, और इससे ज्यादा क्या लिखती मैं? नहीं, इतनी जल्दी मैटर कैसे क्लियर हो गया? मीनल का पूरा नाम लिखने की आपको जरूरत पड़ी, लेकिन राजवीर का सरनेम आपने नहीं लिखा। मान लेते हैं कि हम लोग भले लोग हैं और इन्हीं राजवीर सिंह को हम वो राजवीर मानते हैं। यही केस था जी, यही डायरी हुई, इससे ज्यादा क्या? जिस वक्त सुशील वत्स ऑटो में बैठे, मोबाइल, ये आप ही के लिखा हुआ एक एंट्री है, जिस वक्त सुशील वत्स ऑटो में बैठे मोबाइल था, जब वो उतरे उन्होंने अपनी जेबें टटोली, मोबाइल नहीं था, उन्होंने याद किया कि कब उन्होंने आखिरी बार अपने जिंग 3C, फिर 3C काट के आपने उसे 3G कर दिया। फुर्सत और डेडिकेशन की दाद देता हूँ मैं आपको सरला जी, जिंग 3G मोबाइल को देखा था, और इसके बाद भी आपने 10 लाइनें और लिखी। रिक्शे में मोबाइल खो गया, उसके ऊपर आपने आधे पेज की रिपोर्ट लिखी है, जबकि इतनी बड़ी घटना के लिए आपने सिर्फ 2 लाइन। आई विल टेल यू व्हाई। जिस पेज पे आपने रिपोर्ट लिखी सरला जी, उस पेज पर इतनी ही जगह बची थी। ये एंट्री आपने बैक डेट जा करके की। योर ऑनर, ये पुलिस डायरी जिसमें अमूमन आधे पेज या फुल पेज पर रिपोर्ट लिखी गई है, ये अकेली एक ऐसी एंट्री है जो सिर्फ 2 लाइन की है, क्योंकि जिस पेज पे इन्होंने रिपोर्ट लिखी है उस पेज पर इतनी ही जगह बची थी ताकि ये बैक डेट में जा करके अपनी रिपोर्ट लिख सके। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है योर ऑनर। इन दोनों बातों से ये प्रूफ होता है कि इंसिडेंट की रिपोर्ट करना वॉज एन आफ्टर थॉट, आफ्टर मीनल अरोरा डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट राजवीर सिंह एंड अदर्स। कारी कारी रहना सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई, रोशनी के पांव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई, कुछ यारे कैसे अंगारे जैसे छाऊं छली धूप मैली क्यों है। सारी सांधेरे क्यों लाई, क्यों लाई, रोशनी के पांव में ये बेड़ियां सी क्यों आई, क्यों आई। Are you virgin? ये relevant है। It is, Your Honor. Are you willing to answer this question? इन दैट केस ये सेशन हम इन कैमरा कर सकते हैं, आप ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगी। नो सर, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं ओपन कोर्ट में आंसर करूंगी। प्रोसीड। आर यू अ वर्जिन मिस अरोरा? हाँ या ना में जवाब दीजिए, डोंट शेक योर हेड। नहीं। नो। At what age did you lose your virginity? ये कैसे relevant है दीपक? Victim के character को बार-बार question किया जा रहा है। I just thought कि एक बार सब कुछ पूछ लेते हैं, unless the prosecution has an objection. नहीं। किस उम्र में आपने अपनी virginity खोई?
He's 19. Sorry, I didn't hear you. 19. You were 19. At 19, you lost your virginity, Miss Aurora. At 19, Your Honor, she was an adult. Who was the boy? My boyfriend. Does he have a name? Anish. Anish. Did he pay for it? ये कैसा question? Just answer my question. Did he pay for it? Why would he pay? No, just answer my question. आप क्या establish करना चाह रहे हैं? I asked you a question. You promised that you would answer me. नहीं. हम एक दूसरे को पसंद करते थे. We were attracted to each other. पे करने का सवाल नहीं उठता। तो उसने आपको पे नहीं किया। He did not pay you. Did he force you? No. He didn't force me. He didn't pay me. We liked each other. We did it because we wanted to. Right. उसके बाद जैसे कि आपके जानने वाले जिसमें कि विश्वा थे जिन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दी है कि आपके बहुत सारे और भी रिलेशनशिप्स हुए, क्या लगभग सभी के साथ आपके सेक्सुअल रिलेशनशिप्स थे? कभी कभी थे। तो थे, तो थे। You just admitted that. तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं मिस मीनल अरोरा कि उस रात राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ? I mean, एक बार और हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि पहली मार्च की रात को राजवीर सिंह और उसके साथियों ने भी यही सोचा होगा ना कि ये एक फेली प्रमिस्क्यूअस लड़की है और एक बार और अगर ये हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं समझ सकता हूं कि वो इतने मच्योर नहीं थे कि वो इस बात को सोच सकें कि जब आपके साथ पहले हुआ तो वो आपकी मर्जी के साथ हुआ, बिना पैसे लिए हुआ और बिना किसी दबाव के हुआ। बट प्रोसिक्यूशन ने यह प्रूव किया है कि यू आर अ वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर एंड सिंस यू आर अ वुमन ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर इन द आईज ऑफ राजवीर सिंह द अक्यूज्ड राजवीर सिंह एंड हिज फ्रेंड्स उस दिन उस वक्त आपने क्या ऐसा किया? आपने क्या क्लियर इंडिकेशन दिया कि इस वक्त मैं सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं? व्हाट डिड यू से? मैंने उसको मना किया था। क्या कहा? क्या क्या कहा आपने? क्या किया? मैंने उसको पुश किया था, बोला लीव मी, डोंट डू दिस। आपने उसे मना किया? कैसे मना किया आपने? क्या कहा आपने उसे? व्हाट डिड यू से मिस मीनल अरोरा? व्हाट डिड यू टेल हिम? आई सेड नो, नो, आई सेड नो। Will you say that loud enough for the court to hear, Miss Meenal Arora? What did you say? I said no. I said no. You said no. You said no. She said no, Your Honor. उसके बाद राजवीर सिंह ने बहुत ही गंदे तरीके से उसे टच किया। She was humiliated. इसने थोड़ी सी शराब पी रखी थी और शराब से रूल नंबर 4, Your Honor, किसी भी लड़की को किसी भी लड़के के साथ बैठकर शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है, लड़के को ये इंडिकेट होता है कि अगर लड़की मेरे साथ बैठकर शराब पी सकती है तो वो उसके साथ सोने के लिए भी कतराएगी नहीं। शराब यहां पर एक खराब कैरेक्टर की निशानी माना जाता है, लड़कियों के लिए। लड़कों के लिए नहीं, लड़कों पे ये अप्लाई नहीं होता। लड़कों के लिए ये सिर्फ एक हेल्थ हैजर्ड है। सो टर्म्स एंड कंडीशन डिफर, योर ऑनर। जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, स्कर्ट्स पहनना वगैरह वगैरह ये लड़कियों को नहीं करना चाहिए। इसे इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़के जो हैं उनको खतरा हो जाता है। बेचारे लड़के उत्तेजित हो जाते हैं इन्हें देख करके और विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स वो गलती कर बैठते हैं
आज तक हम सब लोग एक गलत डायरेक्शन में एफर्ट करते रहे. वी शुड सेव आवर बॉयज नॉट आवर गर्ल्स, बिकॉज इफ वी सेव आवर बॉयज देन आवर गर्ल्स विल बी सेफ. शहर में लड़कियों को अलग नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए. लड़के रह सकते हैं, लड़कियां नहीं. इंडिपेंडेंट लड़कियां जो हैं वो लड़कों को कंफ्यूज कर देती हैं. लड़कियों को हंस के कभी बात नहीं करनी चाहिए. अगर कोई बात खुशखबरी की देनी हो तो उनके चेहरे पर सीरियसनेस होना चाहिए. लड़कियों को मोबाइल मत दीजिए, उनका एजुकेशन मत कीजिए, उनकी शिक्षा मत कीजिए, उनको जल्दी शादी उनकी कर दीजिए, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. But I am digressing, Your Honor. My client had had a few drinks, and that could have perhaps been the cause of her intense action. That is all that happened. बार बार किसी लड़के को inappropriately छूना एक लड़की क्या करेगी ऐसे मौके पर? What do you expect her to do? अपने सेल्फ डिफेंस में एक कदम उठाना, not causing grievous injury or attempt to murder, Your Honor. Not that at all. Oh no, अरे ये टिप्स थी, मगर इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी साथी तो होश में थी. फलक अली ने क्यों नहीं तोड़ी बोतल विश्वा के सर? वो क्यों आंटे के बाद विश्वा के साथ में बाहर निकल गई, जिसकी क्लियर फुटेज हमने देखी यहां पर? आई वुड लाइक टू कॉल फलक अली अगेन ऑन स्टैंड. आप किसी प्रोफेसर जावेद को जानती? कैसे? दोस्त है मेरे. दोस्त है? दोस्त है या दोस्त से ज्यादा? ये मेरा पर्सनल मैटर है. ये आपका पर्सनल मैटर? तो ये आपके दोस्त थोड़े बड़े भी हैं उम्र में आपसे, डिवोर्स भी हैं, और एक बच्ची के I'm sorry, but वो उनका पर्सनल मैटर है. Your Honor, मैं प्रूव करूंगा कि उनका इनसे कोई संबंध नहीं. दिस इज अ प्योरली बिजनेस रिलेशनशिप. ये सिर्फ उनके क्लाइंट्स. नहीं, आप ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? ये कुछ बैंक स्टेटमेंट है जो मैं कोर्ट के सामने रखना चाहूंगा. इनसे इनकी एग्जैक्ट नेचर ऑफ रिलेशनशिप प्रूव होती. आप ऐसे कैसे कह सकते हैं लड़की के बारे में? ये आपके अकाउंट में, उनके अकाउंट से ओवर द इयर्स, मतलब एक दो साल में हर महीने 25,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं. इसका मतलब बताएंगे आप? लोन्स लिए हैं मैंने मेरे भाई के ट्रीटमेंट के लिए, और अब मैंने लौटाने शुरू भी कर दिया है. उन ट्रांजैक्शंस के बारे में क्यों नहीं बताते आप लोगों को? वही बतवाने वाला था सर, कि इन्होंने अब वो लोन्स लौटाने शुरू किए हैं, थोड़े-थोड़े पैसे करके. अब यानी कि इस केस के फाइल होने के बाद. आफ्टर ऑल इन्हें मालूम था कि ये बात कोर्ट में लाई जाएगी. अब शी इज अ प्रोफेशनल एंड शी हैज अ शार्प माइंड. हर बात को ऐसे तोड़ मरोड़ के क्यों पेश करते हैं? ब्रेकअप हुआ है हमारा, वी आर नॉट टुगेदर एनीमोर, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट कंफर्टेबल, एंड दैट्स व्हाई आई एम रिटर्निंग द मनी. आप लौटा रही हैं क्योंकि आपने लिए थे, क्योंकि आपको जरूरत थी, और आपको जरूरत हमेशा रहती है पैसों की. ऐसे ही आप अपनी इनकम सप्लीमेंट करती है. क्या इसलिए आप उस रात अंडर के बाद कमरे से भाग गई? ऑब्जेक्शन सर, एक एक करके एक एक लड़की जा रही है कमरे से. ऑब्जेक्शन योर ऑनर, हमने इनके मेडिकल बिल सबमिट किए हैं. ऑब्जेक्शन योर ऑनर, काउंसिल काउंसिल, पॉसिबल ही नहीं. ऑब्जेक्शन योर ऑनर, जी प्लीज कीप द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट. मेरी फ्रेंड्स भी हेल्प करती हैं मुझे. फ्रेंड्स हेल्प करती हैं? जी फ्रेंड्स हेल्प करती हैं घर चलाने में. एक आध फ्रेंड से भी मिलवा दीजिए. हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमारा घर चलाने में तो कोई मदद नहीं करता. Your Honor, I object. Sir, please accept कि आपकी आय का जरिया यही है, ऐसे ही पैसे कमाती हैं आप, वरना नहीं जाती आप उसके साथ में. नहीं जाना चाहिए था मुझे. नहीं जाना चाहिए था मुझे. उस रात से लेकर अब तक यही बात रिग्रेट कर रही हूं मैं कि नहीं जाना चाहिए था मुझे. शायद अगर मैं नहीं जाती तो वो सब नहीं होता, और अगर होता तो हम दोनों के साथ होता.
आप वजह बतलाइए मैडम, गलती मैं जानता हूँ। आपने पैसे करना चाहते हैं ना जो मीनल के साथ कर रहे थे? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आपने पैसे लिए मांगे या फिर रिमीटेड ह्यूमिलिएशन इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि आप प्रूफ करना चाहते हैं कि हमने पैसे लिए हैं? पैसे लिए हैं, हरगिज पैसे लिए हैं। अगर नहीं लिए होते तो ऐसे कुछ होता ही नहीं। आप जाते अपने घर पे, वो जाते अपने घर पे। आपने शरीफ और इंसेंट लड़कों को बदनाम करने की कोशिश। आपको मालूम है उनका चिल्ला उठना क्या मतलब होगा? लिए हमने पैसे। Your Honor, I wish to talk to my client, please. No, sir, please. I want to say this and I have to say this. Yes, we took the money, sir. हमने पैसे मांगे भी और लिए भी, फिर भी मीनल के साथ। Look, why are you doing this? We did not take any money. Why are you branding us like this? And yes, Anand, please keep quiet. Sir, हमने पैसे लिए। Yeah, we yeah. are agreeing to it, no, sir. So please sit down. Sir, let me speak. हमने पैसे लिए, लेकिन फिर भी पैसे लेने के बाद मीनल का मन बदल गया सर। She withdrew her consent, sir. उसने उसे ना बोला, लगातार ना बोला। उसके बावजूद इस आदमी ने राजवीर उसे छूता रहा सर वो। Now you tell me, sir, by law, sir, वो सही था या ये? फलक अली, प्लीज स्टेप डाउन। Session of the court is adjourned. बचाए क्या था? चुभने लगा था कान में। पैसे लिए, पैसे नहीं लिए हैं, ये तो कोई मान ही नहीं रहा है। सब तो मान ही रहे, मेरा मानना कौन सी बड़ी बात है? बस खत्म हो जाए। Thank you.
लोग आलिया को मैं सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। अगर वो फोन करे तो प्लीज उसका फोन मत उठाना। जावेद, she really loved you. You know what? You are a coward. राजवीर सिंह, आपके हिसाब से जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ हंस हंस के बात करती है, उसे टच करके बात करती है, तो वो उसे इनवाइट कर रही है कि आइए मेरे साथ सो जाइए? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। आपका बयान है यहाँ ये? मैंने इस केस में कहा था, बाकी डिपेंड करता है। बाकी डिपेंड करता है किस पे? यही कि कहाँ और कैसे मिले। कहाँ और कैसे, यानी रॉक शो में हो तो हिंट है, लाइब्रेरी या मंदिर में हो तो हिंट नहीं। वेन्यू डिसाइड करता है कैरेक्टर आपके लिए। अब आप बेकार की बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं बेकार की बातें क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपका ये जो बयान है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे, प्रशांत जी ने बताया कि मीनल ने पी रखी थी, आपने भी पी रखी थी? जी, पी रहा था। सो लेट अस अज्यूम कि आप नशे में थे, उसने आपको रोका या रोकना चाहा, आपने ज़बरदस्ती की, उसने आपको मारा, ये भी तो हो सकता था। बिल्कुल हो सकता था, लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन ऐसा नहीं हुआ। ओह सॉरी, मैं तो बिल्कुल भूल ही गया, बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी शादी फिक्स हो गई है। जी, एमएलए जानकी रानी की बेटी से आपकी शादी हो रही है। इन सब पर्सनल बातों का इस केस से क्या लेना देना है? नहीं, लेना देना तो मेरी क्लाइंट के केस के साथ भी नहीं था। तो इन लोगों की तरह मेरा भी कोई कैरेक्टर नहीं है, यही प्रूफ करना चाहते हैं ना आप? नहीं, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पर आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हैं? मैं तो आपकी शादी की बात कर रहा था, आप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, इन सब पर्सनल बातों का क्या मतलब है? राजवीर, आपको अक्सर ये गुस्सा आता है जब आप किसी की ऐसी वैसी बात सुनते हैं जिसे आप सुनना नहीं चाहते। बार बार वही बात क्यों रिपीट कर रहे हो तुम? तुम? मैं तो आपसे बड़ी इज्जत से बात कर रहा हूं, आप करके आपको बुला रहा हूं, और आप हैं कि तुमसे यही उम्मीद थी। राजू जी, आप रेगुलरली सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं? जी नहीं। तो वो आपका पहला टाइम था, अगर ये मान लिया जाए कि हमारी इस सिचुएशन में मेरा पहला टाइम था, यस। ओके, आप रैंडमली किसी लड़की को देखते ही उसे आप डिनर पे बुला लेते हैं। डिनर पे क्यों बुलाया? उन्होंने कहा था कि हमें भूख लगी है। दे सेड दे वर हंग्री सो वी कॉल्ड देम। इंसानियत दिखाई, शायद वही गलती की। हमें क्या पता था कि ये लड़कियां कैसी। शराब के लिए भी आपने इंसानियत का ऑफर दिया उन्हें? उसने खुद ड्रिंक बनाई, फोटो देखी ना आपने? एंड्रिया की फोटो तो नहीं थी। We all were drinking. नहीं, पर उसे आपने क्यों ड्रिंक बनाया? We all were drinking, so I offered out of courtesy. राजवीर, आप इस बात को एडमिट क्यों नहीं कर रहे हैं? Why aren't you admitting it? आप एक रेप्यूटेबल फैमिली के साथ जुड़ने वाले हैं विवाह में, क्या इस डर से कि वो शादी टूट जाएगी आप एडमिट नहीं करना चाह रहे हैं? आप रैंडमली खूबसूरत लड़कियों को देख कर उन्हें इंसानियत देने के लिए ड्रिंक्स और डिनर पे ले जाते हैं? Just admit it. Why aren't you admitting it? Should I tell the court why? Because sexual assault के लिए आप बहुत लंबा अंदर जाते हैं। ये सारी कहानी आपने गढ़ी हुई है ताकि मेरा जो क्लाइंट है। Objection, Your Honor, objection. क्या है प्रशांत जी? इनकी क्लाइंट्स ने एडमिट किया है कि बैठिए, कैरी ऑन दीपक जी। ओके, लेट मी पुट यू अनदर क्वेश्चन। अगर आपने देखा कि मीनल जो है वो एक पैक बना रही है और शराब पी रही है, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि ये तो खराब लड़की है, आप उठ के चले क्यों नहीं गए? हमें ऐसा नहीं लगा। आपके घर में लड़कियां शराब पीती हैं? Only the men drink. आपकी माँ, आपकी बहन ड्रिंक नहीं करती? अच्छे घर की औरतें शराब नहीं पीती हैं। पार्टीज में जाती हैं?
फैमिली गैदरिंग्स में जाती हैं, ओके, पार्टीज में नहीं। इसलिए जो लड़कियां पार्टीज में जाती हैं और खासतौर से वो जो ड्रिंक करती हैं, वो आपके लिए पुश्तैनी हक बन जाता है आपका। और यही तय किया आपने हमारी क्लाइंट मीनल अरोरा के बारे में। आपके घर की अच्छी लड़कियां नहीं पीती हैं तो वो अच्छी हैं, ये पीती हैं इसलिए ये बुरी हैं, खराब हैं, और इनके साथ कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए मैं, राजवीर, आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये आपकी बहन की तस्वीर है एक पार्टी में शराब पीते हुए। लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है ना, क्यों नेसेसरली मेरे क्लाइंट को प्रोवोक किया जा रहा है? ये गलत है, मेरी बहन ऐसा नहीं करती है। बैठकर पीना, किसी के साथ भी चले जाना, ये ऐसी लड़कियां करती हैं, अच्छे घराने की लड़कियां नहीं। ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है। प्लीज क्वाइट राजवीर, प्लीज। ऐसा नहीं होता है और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप जैसे लड़के इसे अपना हक समझ करके करते हैं। किसी लड़की के ड्रेस या क्योंकि वो शराब पीती है, आप समझते हैं कि ये आपका अधिकार है? एक सेकंड, आपका अधिकार है, आराम से साथ चल दे और बैठ के पिए। कोई भी लड़का समझेगा ना कि ये लड़कियां तैयार हैं, वरना क्यों आएंगी, क्यों पिएंगी? ऑब्जेक्शन नहीं आना जी। ये भी तो हो सकता है कि अगर वो समझे कि आप उनके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले हैं तो। सर, वन सेकंड, बलात्कार? राजवीर, स्टॉप। भी नहीं, क्या मतलब है इस बलात्कार का? यहाँ पर किसी से भी पूछ लो, ऐसी लड़कियों के साथ ना ऐसा ही होता है। ऐसी लड़कियों का नाम पता है क्या बुलाया जाता है इनको? राजवीर, प्रशांत जी, अपने क्लाइंट को कंट्रोल कीजिए प्लीज। थैंक यू राजवीर। That is exactly what happened, Your Honor. That is exactly what happened. आजकल की लड़कियां हैं तो लड़कियां ही, जब वो किसी लड़के के साथ डिनर ड्रिंक्स पे जाती हैं तो ये उनकी अपनी चॉइस होती है। अवेलेबल होने का साइन बोर्ड बनकर नहीं जाती वो। लेकिन इस तरह के वेल ड्रेस्ड, वेल एडुकेटेड लड़के जो अभी भी एक फ्यूडल मेंटालिटी के शिकार बने हुए हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सी लड़की अच्छी है और किस लड़की के साथ ये लिबर्टी ले सकते हैं। अरेस्ट में केस, क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। प्रशांत जी, मैंने कोर्ट के सामने प्रूव किया ना कि ये तीनों लड़कियां वहां पैसा एक्सट्रॉट करने की नियत से गई और उसके बाद वहां से गायब हो गई, उसके बाद बहुत दिनों तक छुपी रही। अगर इनकी गलती नहीं होती सर, तो ये इंसिडेंट के इतने दिनों बाद तक चुप नहीं रहती, बल्कि खुद चल के पुलिस के पास जाती, जो कि मेरे क्लाइंट ने किया। आफ्टर ऑल, राजवीर सिंह एक रेपुटेबल फैमिली से है, यंग है, उसके सामने उसका अच्छा खासा फ्यूचर है। इसके अलावा मैंने SHO, डॉक्टर, वेटर, मैनेजर के बयान और एविडेंसेस दिए, जो कि सारे के सारे लड़कों के खिलाफ। कंसेंट का कोई इशू ही नहीं है सर इस केस में, ये सिर्फ डिफेंस का आजमाया हुआ एक हथकंडा है, क्योंकि आजकल कंसेंट डिबेट की बहुत हवा है आवार, इसलिए उसको वैसे के वैसा प्रेजेंट कर दिया गया। मैं इसमें फंसाए हुए सारे इनोसेंट लड़कों को बाइज्जत बरी करने का अनुरोध करता हूँ। और इसके अलावा अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में मिस मीनल अरोरा के लिए कम से कम 10 साल की सजा आपसे चाहता हूं, और इन दो लड़कियों के लिए भी खाली इन्हें सबक सिखाने के लिए फाइन करके ना छोड़ा जाए, बल्कि इनको भी कम से कम 6 महीने की सजा दी जाए, ताकि ये आगे से ऐसी हरकत करने से बाज आए। थैंक यू सर, आई रेस्ट माय केस। दीपक जी, क्लोजिंग। मिस्टर साइकल,
No. No, Your Honor. ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है Your Honor. इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती. ना का मतलब ना ही होता है. My client said no, Your Honor. And these boys must realize no ka matlab no hota. Usse bolne wali ladki koi parichit ho, friend ho, girlfriend ho, koi sex worker ho, ya aapki apni biwi kyun ho. No means no. And when someone says so, you stop. We'll take a short break. Uske baad court apna faisla sunayegi. The court believes that a beginning has been made in this case. Although Meenal Arora ke khilaf 307 attempt to murder ke case mein gawah bhi the, evidence bhi, the court finds that there was grave provocation aur unke khilaf 307 ke under jo charge tha usko dismiss karti hai. Section 320, 324 के अंदर मीनल अरोरा, फलक अली और एंड्रिया तारियांग के खिलाफ जो भी चार्जेस हैं वो नेचर में मोटिवेटेड और इसमें उनके खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस है नहीं. द कोर्ट फाइंड्स राजवीर सिंह गिल्टी अंडर सेक्शन 354 ऑफ आउटरेजिंग अ वुमन्स मॉडेस्टी, अंकित मल्होत्रा एंड Ronak Anand under 340 and the IT Act, the court has decided to let Vishwajyoti Ghosh off with a warning. The court will set a further date for sentencing and announce the quantum of the sentence.